नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ सीमा। बढ़ते हैं खास खबरों की ओर। बाराबंकी के कोठी थाना पुलिस ने भैंस चोरी के मामले में तीन शातिर चोरों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से नकदी और घटना में प्रयुक्त पिकअप और तमंचा बरामद कर जेल भेज दिया। रविवार को कोठी थाना अध्यक्ष मुन्ना कुमार, हमराही उप निरीक्षक दिनेश कुमार, हेड कांस्टेबल उमाशंकर यादव, मोहित खटाना, शैलेश चौधरी ने रारी नदी के पुल के पास से अभियुक्त चोर वसीम पुत्र मुन्ना, मिराज पुत्र मुनब्बर उर्फ मुन्ना निवासी जमलापुर थाना असंदरा, ऐश मोहम्मद उर्फ राजू पुत्र अली अहमद निवासी टिकवा मऊ थाना टिकैत नगर जनपद बाराबंकी को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से 1,05,000 रुपये भैंस घटना में प्रयुक्त पिकअप और तमंचा बरामद किया। थाना अध्यक्ष कोठी मुन्ना कुमार ने बताया कि पकड़े गए चोरों को जेल भेज दिया है, बाकी फरार अभियुक्तों की तलाश की। लाइव टीवी एक्सप्रेस से जिला संवाददाता रामकरण की रिपोर्ट। ये तीन अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और जिस समय ये लोग भाग रहे थे, जब हमारी टीम इनका पीछा करके पकड़ी है, उस समय मौके से जब तलाशी ली गई तो इनके पास से 1,05,000 रुपये तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस बरामद हुई और जिस वाहन से ये लोग भैंस चोरी करते थे उसकी बरामदगी हुई। और इन अभियुक्तों से जब पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि कोठी थाना क्षेत्र के अतिरिक्त ये हैदरगढ़, जहांगीराबाद और अमेठी जनपद में जगदीशपुर, रायबरेली जनपद में बछरावा, विभिन्न स्थानों से चोरी करते थे और काफ़ी सातिर टाइप चोर ये हैं और इनका एक अच्छा खासा ग्रुप है। तीन लोग मौके पर गिरफ्तार हुए थे, चार लोग भागने में सफल रहे, जिनके लिए हमारी टीम बनाई गई है और शीघ्र ही हम उनकी गिरफ्तारी करके उनको भी सशस्त्र कार्रवाई करवाएंगे।